हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड टू की रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। वैसे तो ये राजस्थान की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहने वाले, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट, दोनों इलिजिबल रहेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से पोस्ट की सारी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। Like I told you, राजस्थान के अंदर स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड टू की रिक्रूटमेंट आई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB के थ्रू इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। अब देख लेते हैं कितना पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया है। टोटल पोस्ट है आपका 474, यानी 474 सीट्स के लिए वैकेंसी है। दो पोस्ट है स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड टू। तो ज्यादा सीट आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए है 280 और स्टेनोग्राफर के लिए 194 सीट्स है। आगे देख लेते हैं कि अप्लाई कब से कब तक होगा। आपका ये फॉर्म कल यानी कि 29 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 29 मार्च। और जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा, आइए मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। जनरल और OBC से लिया जाएगा 600 रुपीज, और अदर कैंडिडेट जो भी अलग कैटेगरी से आएंगे सबसे 400 रुपीज। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो पंजाब, UP, बिहार, झारखंड, तो अगर आप अपने स्टेट के लिए SC ST हो, तो अगर आप राजस्थान के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा, तो आपसे 600 रुपीज फॉर्म फी लिया जाएगा। चलिए आगे देख ले अब कि एज की लिमिट क्या होने वाली है। एट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि किस डेट के अकॉर्डिंग आपका जो है एज कैलकुलेशन होगा। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 18 to 40 years, मतलब 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। अब रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो राजस्थान स्टेट का थोड़ा सा अलग होता है। आइए मैं बता दूं, जो SC ST कैंडिडेट है राजस्थान के, EBC और EWS, उनको 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है। फीमेल्स जनरल कैंडिडेट, मतलब कि अदर स्टेट की भी अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल फ्रॉम SC ST, OBC, EBC और EWS, मतलब कि जो राजस्थान स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उन सभी को यहाँ पर 10 वर्ष का, देखिए SC ST, OBC, EBC और EWS, 10 वर्ष का आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, सिंपली जिन्होंने 12th पास कर रखा है वो सब एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि स्टेनोग्राफर की है तो स्टेनो प्लस कंप्यूटर कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तो था क्वालिफिकेशन। अब आगे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। योर सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 stages। एट फर्स्ट स्टेज क्या होता है, रिटन एग्जाम, ऑफलाइन पेपर होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे स्टेनो का टेस्ट होगा। उसके बाद DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेज वाइज स्टेज क्या है सिलेक्शन। देखिए, आपका पहले जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होता है। पहले बता दिया है कि ऑफलाइन होगा, तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट आपको राजस्थान के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर होंगे वहां पे जाके पेपर देना होगा। चलिए समझ ले पेपर 1 और पेपर 2 में क्या सब पूछा जाएगा। पहले तो देख लेते हैं पेपर 1 का। पेपर 1 में 150 प्रश्न रहेगा आपका 100 नंबर के लिए। समय रहेगा 3 घंटे, मतलब टाइम
3 आवर्स का है और देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज हो तो आप टिक कर सकते हो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप देख लेते हैं किस किस विषय से आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा। जीके यानी कि जनरल नॉलेज, मतलब वर्ल्ड और इंडिया का जीके हो गया। एवरीडे साइंस मतलब कि सामान्य आपका जो विज्ञान होता है उससे पूछा जाएगा। फिर आपका राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ के जाना। यही 3 सब्जेक्ट आपका पेपर 1 में होगा। तो जैसे आप देख सकते हो 150 क्वेश्चन है तो 50 जीके से, 50 एवरीडे साइंस का और 50 राजस्थान स्पेशल जीके रहेगा। तो ये हो गया पेपर 1। और साथ ही साथ आपका पेपर 2 होगा जो कि 150 प्रश्न का रहेगा 100 नंबर के लिए। इसका भी समय 3 घंटे का और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें अगर विषय की बात करूं, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, मतलब सामान्य हिंदी से 75 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी के 75 प्रश्न रहेंगे। सो दिस इज ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। जब एग्जाम में क्वालिफाई करोगे तो आपका स्किल टेस्ट होता है, पता है कि स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी। देखिए स्किल टेस्ट में आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी, डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि आपका जो स्टेनो का टेस्ट होगा, उसके बाद आपको गदांश यानी कि पैराग्राफ टाइपिंग करना होगा। वहां पर आपको बुक प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू आपको करना होगा। तो इंग्लिश का जो होगा वो 100 मार्क्स के लिए रहेगा और 70 मिनट्स के लिए। सेम चीज हिंदी का स्टेनोग्राफी, डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन 100 मार्क्स का और 80 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। जब स्किल टेस्ट हो जाएगा तब क्या होगा, डीवी एंड मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो राजस्थान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एज ए स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट जॉब करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान की जॉब है तो वहीं पे सर्व करना होगा। सर्व करेंगे तो सैलरी क्या होगी, देखिए फ्रेंड्स आपकी सैलरी की शुरुआत होती है 44,000 से। जी हाँ, 45,000 से शुरुआत होती है और हर साल की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी अप टू 80,000 हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। मैंने आपको सारी डिटेल इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दी। आई होप कि आपका सारा कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी अभी भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी को शेयर करते जाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।